16.1.3 अल्कोहल के गुणधर्म प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। सामान्यतः अल्कोहल बहुत ही दुर्बल अम्लीय से लेकर उदासीन स्वभाव के होते हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझें। क्रियाकलाप दो, एक परख नली में 10 ml एथेनॉल लीजिए। चावल के दाने के बराबर सोडियम धातु का टुकड़ा मिट्टी के तेल से निकालकर छन्ना पत्र पर सुखा लें। इस टुकड़े को परख नली में डालें। होने वाली अभिक्रिया का अवलोकन कर नोट करें। एथेनॉल अति सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। C2H5OH plus Na is equal to C2H5ONa sodium methoxide plus H2 gas। इसी तरह मेथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके सोडियम मेथॉक्साइड बनाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और बताइए कि क्या होगा जब एथेनॉल मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा। बच्चों, इसके पूर्व क्रियाकलाप में आपने अल्कोहलों की प्रकृति के बारे में जाना। आपने देखा कि ये अत्यंत दुर्बल अम्ली से उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो क्या ये धातुओं के साथ क्रिया करेंगे? आइए इस क्रियाकलाप के द्वारा हम जानते हैं। इसके लिए मैंने इस क्वथन नली में एथिल अल्कोहल लिया है जिसका सूत्र है C2H5OH, और अब मैं इसमें सोडियम धातु का टुकड़ा डालूंगी। बच्चों, ये सोडियम धातु बहुत ही सक्रिय धातु होती है, अतः इसे हम हमेशा मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। तो प्रयोग करने से पहले मैंने इसे मिट्टी के तेल से निकालकर इस फिल्टर पेपर में अच्छी तरह से सुखा लिया है। अब मैं इसके 1-2 टुकड़े एथिल अल्कोहल में डालती हूँ। देखते हैं क्या होता है। बच्चों, आपको कुछ बुलबुले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? बच्चों, आप बता सकते हैं ये कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि जब मैंने एथिल अल्कोहल में सोडियम का टुकड़ा डाला तो इनकी आपस में क्रिया हुई तथा सोडियम एथॉक्साइड यानी कि C2H5ONa बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। ये वही हाइड्रोजन गैस है, अतः आप भी इस प्रयोग को अपने स्कूल में जरूर कीजिएगा।